अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम का दोबारा आगाज़ कर दिया गया है और अब आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर स्टेट बैंक की तरफ से जो लेटर इशू किया गया है वो आपको मैं शो करवा रहा हूँ आप इसमें देख सकते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई की जो लास्ट डेट है आप जून दो हज़ार चौबीस तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी फ्रेंड्स तो प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर फार्म मेगेनाइजेशन स्कीम में जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए ये सबसे पहले है ट्रैक्टर है आप ट्रैक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप थ्रेशर है हार्वेस्टर है प्लांटर है मोबाइल ग्रेन ड्रायर है और सोलर ट्यूब है तो जी फ्रेंड तो ये ये सारी चीज़ें जो हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें एज लिमिट जो है वो एज लिमिट कोई नहीं है आप किसी भी एज में हैं तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें लोन की मुद्दत जो है वो सात साल है और मेल फीमेल बोथ जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और जो मार्कअप है वो फिक्स है सात परसेंट जो है वो इसके ऊपर मार्कअप है तो ये फार्मर हजरात के लिए बहुत ही एक अच्छी स्कीम है तो जल्दी से आप इसके ऊपर अप्लाई करें और इससे फ़ायदा हासिल करें तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि आपने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह करना है तो आपने सिंपली कोई भी अपना इंटरनेट ब्राउज़र जो है वो ओपन करना है ओपन करने के बाद आपने सिंपली टाइप करना है पी एम वाई पी डॉट जी ओ वी डॉट पी के ठीक है तो ये आपके सामने ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का जो पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे स्क्रोल डाउन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ये ऑप्शन जो है वो आपके सामने आएगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने इसी चैनल पे जो है वीडियो बना दी हुई है अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट uh, हो रही है ठीक है तो आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर अप्लाई के लिए तरीका कार है वो आपने सिंपली मेरे इसी चैनल के ऊपर आना है और यहाँ पे आप नीचे थोड़ा प्ले का ऑप्शन आपको मिलेगा प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सामने इस तरह नीचे प्ले लिस्ट जो है वो शो हो जाएंगी और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कीम के नाम से प्ले मिलेगी इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप गवर्नमेंट स्कीम वाली प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह सभी प्लेलिस्ट जो है वो शो हो जाएगी इसमें मैंने जो गवर्नमेंट की पंजाब लेवल पे स्कीम है पंजाब रोजगार स्कीम के नाम से उसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हैं आप उनको भी देख सकते हैं और उसके ऊपर भी आप अप अप्लाई कर सकते हैं तो उससे थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस स्कीम के बारे में भी कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इन वीडियोज का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को फॉलो करके आप प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं तो आप नोट डाउन कर लें तो सबसे पहले आपके पास ए, आपकी एक अदद पिक्चर जो है वो होनी चाहिए और उसके बाद आपका एप्लीकेंट का आईडी कार्ड उसकी फ्रंट और बैक साइड स्कैन फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए और नंबर थर्ड पे है दो अदद रेफरेंस वो आपके ब्लड रिलेटिव ना हो ठीक है उनका अपने नाम फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड का नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है ठीक है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं तो आप जैसे ही प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम वाला फोटो जो है वो ओपन करेंगे ओपन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे से रोल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा उसके नीचे आप यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी फाइनेंसिंग ये वाला ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आप अप्लाई ना पे क्लिक करेंगे अप्लाई नॉ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए जो हो जाएगा थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आप अपना सी एन एस सी नंबर लिखेंगे यहाँ पे आप अपने सी एन एस सी की इशू डेट और एंटर पे क्लिक कर देंगे इंटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा जहाँ पे आपने अपनी इब्तदाई मालूम जो है वो एंटर करनी है तो सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ठीक है तो यहाँ पे नो आएगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते इसके ऊपर तो नेक्स्ट है सिटीजनशिप स्टेटस तो इसके लिए आप अपना लेक्ट करेंगे रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है ठीक है या ओवरसीज रिटर्निंग है तो यहाँ पे मैं रेजिडेंट सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद बिजनेस स्टेटस के आपका जो न्यू बिजनेस है या फिर आप एक्सपेंशन जो है वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कर रहे हैं ठीक है थीके? तो वो आप सिलेक्ट करेंगे तो मैं एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद आपने अपना पूछ रहे हैं कि आर यू पोलिटिकल एक्सपोज ठीक है, है थीके? थीके? तो यहाँ पे नो आएगा उसके बाद आर यू यो फ्लडेक्टी तो यहाँ पे भी नो आएगा उसके बाद आपका सी एन एस और इश्यू डेट आ गई यहाँ पे आपने बैंक सेलेक्ट करना है कि आपने किस बैंक में अप्लाई करना है ठीक है तो आप जोन से ही बैंक में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो बैंक आप सेलेक्ट करें मैं यहाँ पे पंजाब बैंक सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आर यू एन एम्प्लाई ऑफ सिलेक्टेड बैंक ठीक है तो यहाँ पे नो आएगा क्योंकि आप जिस बैंक में अप्लाई कर रहे हैं उस बैंक के आप इम्प्लाई नहीं हो सकते ठीक है उस बैंक में आप अप्लाई नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप नो करेंगे नो करने के बाद आप यहाँ पे स्टेटस ऑफ ऑनरशिप लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो आपकी अपनी है ठीक है या लीज पे है या कोई अदर स्टेटस है आपका तो वो आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं ऑनर सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद पूछ रहेगा टोटल एरिया ऑफ लैंड के आपकी कितने एरिया जो है वो आपका लैंड एरिया जो है आपका आपके पास है तो उसमें आपने अगर आपके पास लीज पे है या आप ओनर हैं तो अगर आप दोनों हैं लीज पे भी है और ओनर वो आप दोनों जो है यहाँ पे सम करके यहाँ पे मेंशन करेंगे ठीक है तो उससे नीचे जो है वो पूछ रहे हैं कि टोटल एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड तो आपका जितना एरिया या अपना आपका जितनी, जितनी लैंड जो कल्टिवेटेड है वो आप नंबर ऑफ एकड़ में यहाँ पे मेंशन करेंगे ठीक है मेंशन करने के बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला सेक्शन आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आप अपनी कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंशन करेंगे जी फ्रेंड्स तो इस तरह आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस नंबर ऑफ डिपेंडेंट ठीक है अपना फादर का नेम लिखेंगे और उसके बाद आप अपना रिलीजन जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपनी डिसबिलिटी अगर है तो वो और उसके बाद वो पूछ रहे हैं मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम ठीक है आपकी जोनसी भी है एग्रीकल्चर है या फॉर रेमिटेंस है आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है अदर बिजनेस है जो भी है आपका वो आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप एवरेज करंट मंथली इनकम जो है वो मेंशन करेंगे अदर एनुअल इनकम है वो अगर आपकी अदर कोई है तो वो आप मेंशन करेंगे उसके बाद डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट अगर आपका है तो आप यहाँ पे यश कर दें अगर नहीं है तो नो कर दें ठीक है तो उसके बाद जी, जितने भी ऑप्शन हैं जिनके साथ रेड तारीख है तो वो वाले कॉलम जो है आपने लादमी उनको फिलअप करना है अगर जो रेड तारीख के बगैर है उनको आप खाली भी छोड़ सकते हैं तो आपका फॉर्म फिर भी सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल वेल्थ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अगर नहीं मेंशन करना चाहते तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे उसके बाद आप अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे उसके बाद सी की फ्रंट साइड और फिर बैक साइड और उसके बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप थर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो पूछ रहे हैं यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में ऐड करेंगे यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो सेलेक्ट करेंगे मैट्रक है एफ है बैचलर है जोसी भी है आप वो सेलेक्ट करें और उसके बाद डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन अगर आपकी है तो आप मैंशन कर दें अगर नहीं है तो इसको आप वो खाली छोड़ दें या नन या अदर भी आप लिख सकते हैं और इसके बाद पूछ रहे हैं कि आर यू स्किल्ड ठीक है क्या आप कारीगर हैं या किसी हुनर में महारत रखते हैं तो आप वो वाला हुनर जो है वो अपना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर है तो मेंशन करें अगर नहीं है तो यहाँ पे नन कर दें और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अपलोड एजुकेशनल डिग्री तो आप अपनी एजुकेशन डिग्री जो है यहाँ पे अपलोड कर भी सकते हैं और इसको खाली भी छोड़ सकते हैं ऑप्शनल है ठीक है उसके बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप फोर पे आ जाएंगे यहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो मैंशन करेंगे यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस आप अपना परमानेंट एड्रेस और आप अपना सेल नंबर ठीक है ई मेल वगैरह वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे मैंशन करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जी फ्रेंड्स सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप फाइव पे आ जाएंगे यहाँ पे आप अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो है वो फुक करेंगे तो बिजनेस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले इंडस्ट्री कैटेगरी है यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर है सर्विस है ठीक है एग्रीकल्चर में आपके पास अगेन बिजनेस सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर मशीनरी है और उसके बाद आप सब सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास uh, ट्रैक्टर है प्लांटर है थ्रेशर है हार्वेस्टर है और मोबाइल ग्रेन ड्रायर है ठीक है तो इसी तरह अगर आप सर्विसेज वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे तो उसके बाद आपके पास ट्रेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें सोलर ट्यूबवेल है ठीक है अगर आप सोलर ट्यूबवेल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पहले सर्विसेज वाली कैटेगरी जो है सेलेक्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करके चेक करवाऊँगा ठीक है तो आप इस तरह इसको फॉलो करते हुए किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं ट्रैक्टर सेलेक्ट करता हूँ और बिज़नेस नेचर जो है वो आपकी यहाँ पे आपने मेंशन करनी है कि एग्री कारपोरेट है एग्री ट्रेडर है ठीक है अदर है आपका फार्मर कल्टिवेटर है ठीक है तो मैं फार्मिंग के लिए लेना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा उसके बाद आपने अपना बिजनेस नेम जो है वो रखना है ठीक है वो आपने यहाँ पे मैंशन करना है उसके बाद आपने अपनी बिजनेस डिटेल जो है वो यहाँ पे लिखनी है उसके बाद बिजनेस एड्रेस है ठीक है प्रोविंस है और अपनी डिवीजन है डिस्ट्रिक्ट है तहसील है इस तरह आपने अपना एंटिटी टाइप जो है पार्टनरशिप है या सोल प्रोपार्टनरशिप है जो जोन सा भी है आपका वो आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन स्टेटस है रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है वो आप सेलेक्ट करेंगे नीचे वो पूछ रहे हैं कि एनी वेहीकल रजिस्टर्ड ऑन योर कंपनी नेम ठीक है अगर आपके नाम कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे अदरवाइज आप नो कर देंगे और उसके बाद सबमिट एंड एस पे क्लिक कर देंगे सबमिट एंड एस पे क्लिक करने के बाद आपके पास स्टेप सिक्स जो है वो फाइनेंसिंग डिटेल के ऊपर है ठीक है यहाँ पे आप अपनी फाइनेंसिंग डिटेल जो है वो मेंशन करेंगे यहाँ पे सबसे पहले लोन टाइप है कि आप लोन टाइप जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए है लेना चाह रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है या लीज फाइनेंसिंग है ठीक है तो यहाँ में मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या वो सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद है कैटेगरी ठीक है कैटेगरी वन जो है वो आपके पास ट्रैक्टर एंड थ्रेशर है और कैटेगरी टू में हार्वेस्टर है प्लांटर है और सोलो ट्यूबेल वगैरह वो से, कैटेगरी सेकंड में है ठीक है तो मैं ट्रैक्टर के लिए तो वो कैटेगरी वन में है उसके लिए आप टन में आ जाएं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर टोटल सेवन है तो मैं सेवन ही सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद आपने अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो मैंशन करनी है उसके बाद लोन रिक्वायर ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा आ, समझने वाली बात है तो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो अपनी जो एसेट है उसकी कंप्लीट प्राइस जो है वो रीसेंट प्राइस है वो यहाँ पे मेंशन करनी है ठीक है मार्केट प्राइस कह लें तो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है और लोन रिक्वायर्ड जो है वो आपने ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो लेस करके यहाँ पे लिखना है क्योंकि यहाँ पे ये देखें ट्वेंटी फाइव परसेंट है ठीक है तो अगर आपके एसेट जो है उसकी कीमत जो है वो मिसाल के तौर पर एक लाख है ठीक है तो उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो पच्चीस हजार आपकी कंट्रीब्यूशन होगी और सेवेंटी फाइव थाउजेंड जो है वो आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो इस तरह कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी होगी तो यहाँ पे आपने जो अपने एसेट है उसकी फुल कीमत जो है फुल प्राइस जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है और ट्वेंटी फाइव परसेंट उसका लेस करके आपने यहाँ पे लोन रिक्वायर्ड अमाउंट को ऊपर मेंशन करेंगे ठीक है तो उसके बाद आपने यहाँ पर इसको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप सेवनों पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने अपना बिजनेस प्लान जो है वो मैंशन करना है ठीक है वो आपने कम्प्लीट अपने करंट एसेट फिक्स एसेट और इसी तरह करंट लाइबिलिटी फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ओनर इक्विटी और उसके बाद आपने अपनी मंथली बिजनेस रेवेन्यू और यहाँ पे आप अपने मंथली डायरेक्ट एक्सपेंस और फिर मंथली इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो मेंशन करेंगे उसके बाद नंबर ऑफ़ करंट एम्प्लाई वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कितने हैं मौजूदा मलाजिमन की तदाद आपकी फिर एस्टिमेटेड अजाफ़ा जो है वो आप अपने एम्प्लॉज़ में कितना देख रहे हैं ठीक है तो वो आप यहाँ पर मैंशन करेंगे और आप अपने जो कारोबार से वाबस्तगी है बिज़नेस एज वो आप यहाँ पर मैंशन करेंगे उसके बाद ये नीचे जो भी इंपॉर्टेंट फाइल जो है अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर आप इसको खाली छोड़ना चाहते हैं तो तब भी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा उसके बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास स्टेप एट है और यहाँ पे फाइनेंसिंग हिस्ट्री है अगर आपने ऑलरेडी किसी बैंक से लोन लिया हो तो यहाँ पर आप मैंशन करेंगे तो अदरवाइज अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो no ही रहने देंगे और सबमिट एंड एस पे क्लिक कर देंगे फाइनल जो है वो स्टेप नाइन है यहाँ पे आपने रेफरेंस की डिटेल देनी है रेफरेंस आपके कोई भी ब्लड रिलेटिव ना हो और यहाँ पे आपने फर्स्ट रेफरेंस का नेम और उससे आपका रिलेशन और उसका फ़ोन नंबर और सी एन एस सी नंबर उसी तरह सेकंड का आपने यहाँ पे मेंशन करना है करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट एंड एस पे क्लिक कर देना है सबमिट एंड एस पे क्लिक करने के बाद सर आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो पॉपअप मैसेज जो है वो शो हो जाएगा तो यहाँ पे वो आपके सामने आपका सी एन आई सी नंबर आपकी सी एन आई सी की इशू डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर इनको आपने कन्फर्म कर लेना है ठीक है अगर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पे बैक जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं ठीक है अगर ठीक है तो आपने इसको रीड आउट करने के बाद यहाँ पे नीचे आई एग्री दी टर्म एंड कंडीशन इसके ऊपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह पॉपअप मैसेज जो है वो शो हो जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज सबमिटेड सक्सेसफुली फर्दर सोन दी कंसर्न बैंक विल कंटैक्ट यू थैंक यू ठीक है तो इस तरह आपको सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो जाएगा तो उसके बाद अगर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको ट्रैक करना है तो यहाँ पे आपको ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा तो यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर और यहाँ पे फ़ोन नंबर जो आपने अप्लाई करते वक्त वहाँ पर मैंशन किया था और उसके बाद यहाँ पर अपने पी एन सी की इशू डेट और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है तो आपके पास आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो शो हो जाएगा जी फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बस आसानी मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़